25 क्वेश्चन गलती करिए, शान से, घमंड से गलती करिए 20-25 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना अगर बना दिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। हम लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, 3 महीना 6 महीना पहले से हम लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और इस बार हमें कंफर्म ये जॉब लेना है, क्योंकि हमें बिहार दरोगा का स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है। कई लोग सोचेंगे कि वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे, और वैकेंसी जब दिखेगा ना हमको पूरा आंख से फेस टू फेस, मतलब कि सरकारी रिजल्ट पे दिखेगा, और भी कहीं जब गूगल पे हम सर्च मारेंगे तब वैकेंसी दिखेगा, तब इसका तैयारी शुरू करना चालू करेंगे। उसके बाद मात्र 3 से 4 महीना आपके पास बचेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इस वैकेंसी के पूरे सिलेबस के अनुसार, यानी कि आपका पीटी से लेकर के ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ रहेंगे, यानी कि हर एक दिशा जो आपके लिए जरूरी होगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, अगर आप नए रूप में तैयारी कर रहे हैं या पुराने कैंडिडेट हैं, आप लोग को भी लाभ मिलेगा। जिस तरह से पुराने वाले दरोगा को हम लाभ पहुंचाए हैं, उसी तरीका से हर एक स्टेप में आपके हम साथ रहेंगे। हर वो चीज आपको हम बताएंगे जो आपके लिए जरूरी है, कोई नहीं बताएगा, वो चीज आपको हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रिटन एग्जाम में आपका क्या होगा, तो वो होगा पीटी। सबसे पहले मतलब फर्स्ट एग्जाम होगा, फॉर्म भरने के बाद जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो होगा पीटी आपका। पीटी के बाद मेंस होगा, तो पीटी में क्या क्या आपको करना पड़ेगा ये देखिए। टोटल क्वेश्चन आपका 100 पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स आपका 200 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन जो आप बनाइएगा उसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 नंबर दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग 1/10। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते हैं एग्जाम से पहले भी, एग्जाम के बाद भी। होता क्या है कि 1/10 का निगेटिव मार्किंग समझ में नहीं आता, कोई बोलेगा 1/5, 1/10। असलियत यही है कि इसका जो निगेटिव मार्किंग होता है 1/10 इसलिए होता है क्योंकि 1 नंबर का जो मार्क्स आपको दिया था वो 2 नंबर दिया था, ठीक है। और आप इसका नोटिफिकेशन में देखेंगे, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें निगेटिव मार्किंग के बारे में कहा गया 0.2 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि इसको कितना बार गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 10 गुना करेगा तब ये 2 होगा, यानी कि 10 क्वेश्चन गलती करेंगे तो 1 क्वेश्चन का पूरा पूरा मार्क्स हमसे काटा जाएगा। जैसे कि देखिए, अगर 10 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 क्वेश्चन का पूरा पूरा मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स कितना है 2 नंबर, तब काटा जाएगा। तो ये काटते हैं जब इसको 10 से गुना करते हैं, तब ना 2 आ रहा है। तो इसी अनुसार आपको हम बताते हैं कि 1/10 निगेटिव मार्किंग, यानी 10 क्वेश्चन गलती करिएगा तब आपसे 2 नंबर काटा जाएगा, सीधा रूप से ये समझिए। इतना नहीं समझ में आता तो सीधा ये समझिए कि आपको निगेटिव लेना है। करीब करीब 95+ क्वेश्चन आपको बना देने हैं, यानी कि निगेटिव से डरना नहीं है, बहुत ज्यादा उसे हताश नहीं होना है कि नहीं बन पाएगा और गलती हो जाएगा, नंबर कट वगैरह जाएगा, तो ये सबसे नहीं सोचना है। आपको 95+ नंबर बनाने हैं। एकदम जो नहीं आ रहा होगा, लगता है कि तो मारेंगे तो गलती ही मारेंगे, उसको बस छोड़ना है, बाकी तुक्का भी इसमें लगाना है, वो भी हम सब बता देंगे कैसे कैसे करना है। पहले आप तैयारी कर लीजिए, पहले वो दिशा आपको हम सब बताएंगे जैसे तैयारी होगा, ठीक है। और मोड ऑफ एग्जाम जो होगा आप लोग का, ऑफलाइन एग्जाम आप लोग का होने वाला है, यानी कि पेन पेपर पे आपका एग्जाम होगा, बेंच पर बैठा करके 2 लोग बैठेंगे, बेंच पर बैठेंगे साइड कोना पे, और वहां पे आपका एग्जाम ऑफलाइन लिया जाएगा, जो कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन से आप लोग को रंगना होगा। आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसको ऐसे करके जो आप रंगते हैं, पहले से भी जानते होंगे, OMR शीट पे आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना, ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम नहीं होने वाला है। अब इसका पीटी एग्जाम को जब हम देखना चाहेंगे, तो पीटी में आपको बताया कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 200 मार्क्स का होगा, 1/10 निगेटिव मार्किंग के साथ। और देखेंगे यहाँ पे कि जीके से जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके, जीके, जीएस, मैथ और करेंट, यहाँ पे ये सिलेबस दिया गया, लेकिन इससे पहले ये सिलेबस नहीं था। और आपको एक बार और हम सतर्क कर दें कि आपके जस्ट पिछले बार जो एग्जाम हुआ है, जो आप इस फॉर्म को भरेंगे, इसके पीछे बार जो एग्जाम हुआ है ना, वो थोड़ा सा विद्यार्थी के मन में शंका पैदा कर दिया है, मतलब उसका दिमाग को घुमा दिया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि सिलेबस से हटके पूछ दिया है। लेकिन डरना इसलिए नहीं है आप लोग को, क्योंकि हमेशा वैसा नहीं पूछेगा, वो फिर से आपको घुमा करके इस बार सिलेबस पर लेकर के आएगा, और आप फिर कंफ्यूज करिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस पूछता है कि सिलेबस पूछता है, हमको समझ में नहीं आता। तो आप लोग को क्या करना है कि जो सिलेबस इसका बहुत दिन से चलते हुए आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम जो सिलेबस पर हुए हैं, उसको आप लोग को कवर करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, उसको समझना है। बाकी अगर सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज करता है, यानी कि अगर संस्कृत इसमें पूछने लगता है सिलेबस में, सबके लिए पूछा गया, कोई भी उसका तैयारी नहीं किया होगा, तो फिर भी आप वहीं पर हैं जहां पर थे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जीके, जीएस, मैथ और करंट अफेयर्स पे पीटी एग्जाम निकालने के लिए फोकस करना, यानी फर्स्ट एग्जाम जो आप लोग का होगा उसको निकालने के लिए मेहनत करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जीके में हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी यानी कि इतिहास और भूगोल और नागरिक आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे संविधान के सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स से आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी 7 से 8 प्रश्न इससे बन जाएंगे, जिसको आपको इग्नोर करके चलना है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, सूचकांक हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, यहाँ को आपको पढ़ लेना है, वो कवर हो जाएगा, ठीक है।
जीएस में अगर बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वेटेज रहता है। जहां पे हम अगर देखेंगे तो यहां बिहार बोर्ड के एग्जाम में बायोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी टेक्निकल टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ज्यादा हार्ड भी नहीं, लेकिन हाँ परिभाषित रूप से क्वेश्चन जो है बनते हैं तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। फिजिक्स से भी क्वेश्चन बनता है, केमिस्ट्री से भी थोड़ा सा कम बनता है, सबसे ज्यादा इससे फिर फिजिक्स से और फिजिक्स केमिस्ट्री से बनता है, जो कि आपको हम बताएंगे जब डिटेल वीडियो हम बताएंगे तब। तो ये सब चीज समझ लीजिए, ये सब चीज आपको कवर करते चलना है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको जीके को जरूर पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहां से लगभग 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोनों को मिला करके, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन 30% मात्र जीके के दो सब्जेक्ट से पूछ दिया गया। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आज से अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो ज्योग्राफी के कुछ नदियां, कुछ पठार, कुछ आपके नदी वगैरह हो गया, झील हो गया, जलप्रपात हो गया, आपका जनगणना हो गया, यही सब पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना रहे। मतलब होता है ना कि थोड़ा सा तैयारी हम पहले से भी कर रहे थे, फॉर्म आने के बाद हम और भी तेज कर देंगे, एडमिट कार्ड आने के बाद और भी रफ्तार से हम उड़ने लगेंगे। तो ये काम पहले से करिएगा तो ज्यादा आप में जो है जुनून जगेगा, आप में इंटरेस्ट जगेगा। उसको देखेंगे मैथ के कुछ क्वेश्चन जो कि पिछले दो बार से पूछा जा रहा है और इस बार कहा जा रहा है ऐसा कि 5 से 8 क्वेश्चन भी है मैथ का कर देने वाले हैं बिहार दरोगा एग्जाम में, यानी मैथ का कुछ वेटेज बढ़ने वाला है, ऐसा गुप्त सूचनाओं के द्वारा पता चल रहा है जो कि एग्जाम में पता ही चल जाएगा आप लोग को। तो ये आपको हम बता दें कि मैथ का जो वेटेज है ऐसे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का रहता है, लेकिन हो सकता है कि मैक्सिमम 10 क्वेश्चन जाएगा, उससे भी ज्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखेंगे करंट अफेयर्स भी इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खास करके हम बात करें बिहार दरोगा के एग्जाम में और बीपीएससी में तो और भी ज्यादा करता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप बिहार दरोगा की तैयारी करते होंगे तो बीपीएससी का एग्जाम भी देते ही होंगे, तो बीपीएससी के लिए तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो काफी महत्वपूर्ण आपका जो यहाँ पे सहायता होगा हो सकता है। लेकिन आपको स्पेशल बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता है, यानी 1 साल तक का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है जो कि 17 से 20 क्वेश्चन का वेटेज होता है, कभी कभी 22-23 भी हो गया है, कभी कभी 12-13 भी हो गया, लेकिन कम से कम आपको 20 तक लेकर के चलना है। सिलेबस इसका यही कहता है कि लगभग आपका जो क्राइटेरिया है मिनिमम और मैक्सिमम का वही इतना ही रहने वाला है। मेंस में देखेंगे तो हिंदी पूछा जाएगा, अब हिंदी का सिलेबस कहिएगा हम कहाँ से पढ़ेंगे, अभी से नहीं सोचना है आप लोग को, हिंदी बहुत ही इजी पूछा जाता है, बहुत लिमिट टॉपिक से प्रश्न आते हैं और मात्र 30% ही स्कोर करना होता है इसमें, यानी कि 200 नंबर की इंग्लिश हिंदी में मात्र 60 नंबर लाना होता है आपको। तो यहाँ पे आप ले आइएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है कि आप ले आइएगा, शायद ही कोई ऐसा होता है जिसका बहुत ज़्यादा भाग खराब होता है, वो हिंदी में फेल करता है और उसके बाद मतलब ये सब में आप क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब हिंदी यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का और पीटी भी इसका जो है पूरा क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पे क्वालिफाई करना है। सबसे मेहनत आपको करना पड़ेगा यहाँ पे जीके पे, तो सबसे पहले जीके पे ही मेहनत करना शुरू कर दिए। जीके यानी यहाँ पे जो जीके है ना वो पूरा जीके को यहाँ पे छू रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जीके जीएस मैथ और करेंट का वेटेज थोड़ा सा कम जाता है, मतलब मेंस के में अगर हम बात करेंगे जीके से जो क्वेश्चन आते हैं यहां पे कम हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीके में तो हिंदी का तो आप लोग समझ गए कि मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा, हिंदी में व्याकरण के जो क्वेश्चन है वही सारे पूछे जाएंगे और वहां पे सिर्फ पास करना है आपको, मिनिमम 30% नंबर लाना, हर एक पास कर दिया जाएंगे, उससे कम नंबर अगर आपका होगा तो आपका मेंस का जो जीके का पोर्शन है ये चेक ही नहीं हो पाएगा, कॉपी आप रिजेक्ट कर दिया जाएंगे, बशर्ते कि आपका जीके में बहुत ज्यादा नंबर भी था लेकिन चेक नहीं होगा अगर हिंदी में आप फेल कर गए तो। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है हिंदी में, क्या होता है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/10 होता है। और यहाँ पे ये तो हो गया हिंदी का, और जीके का हम बात करते हैं, जीके में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं देखिएगा, जीके आता है, जीएस आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, और यहां पे जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से करीब करीब 20 क्वेश्चन जो होता है मैथ रीजनिंग का पूछा जाता है। अब यहां पे गौर करिएगा, मैथ आपका कहां पूछा गया, लगभग 5 से 8 क्वेश्चन पीटी में पूछा जाएगा मैथ, और मैथ मेंस में आपका क्या होगा 10 से 12 क्वेश्चन मेंस में मैथ आपसे पूछा जाएगा दरोगा में, और रीजनिंग भी पूछा जाएगा जो कि बहुत ही इजी होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग का भी होगा, कुल मिलाकर के 20 से 22 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग से आपको मेंस में आने वाला है, और बाकी का जो क्वेश्चन होगा वो जीके जीएस से बनेगा और 1-2 करंट अगर दे देगा, क्योंकि उसका तो उद्देश्य होता है कि सिलेबस को पलटना है हमको, हमको स्टूडेंट को निकाल देना है किसी भी तरह से कोई भी दिमाग लगा करके, तो करंट को दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और नहीं होता है ऐसा कि अगर करंट दे दिया, 1-2 करंट दे भी दिया तो उतना आपको मेहनत नहीं करना, आपका पीटी में पढ़ा हुआ करंट आपका जरूर उसमें काम आ जाएगा, ठीक है, उतना टेंशन नहीं। मेन रूप से आपको जीके जीएस, जो कि यहां भी देखे जीके जीएस पर ज्यादा फोकस करना है। अगर मेंस में आप अच्छा नंबर लिया, यानी कि कितना 80 प्लस का टारगेट आप मेंस में रखिएगा, 80 प्लस नंबर ले आए ना, कोई भी आपको नहीं काट सकता है, सिर्फ आपको आंख मुन के फिजिकल क्वालिफाई कर लेना है, गधा जैसा भी मेहनत अगर करना पड़े फिजिकल में करेंगे, क्योंकि हम वहां पे नंबर ले आए हैं और कोई भी हमको मेरिट से नहीं बाहर कर सकता है। अगर मेरिट से बाहर किया तो फिर तो गांधी जी वाला आंदोलन आप कर ही देते हैं, कोई दिक्कत होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास तब। तो जीके जीएस पर क्या करना है, 100% फोकस इस पर करना है, और ये सब था सिलेबस उसका।
और अगर पीटी का हम कट ऑफ का बात कर ले कितना जाता है, तो 75 से 80 नंबर आप लोग को लेकर के चलना है, मतलब मैक्सिमम, ज्यादा भी नहीं। मतलब 20-25 क्वेश्चन गलती करिए, शान से, घमंड से गलती करिए 20-25 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना अगर बना दिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर कुछ डर लग रहा है तो 70 से 75 का तैयारी करिए, यानी कि किसी तरह से 70-75 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर दीजिए, ताकि कितना भी हाई कट ऑफ जाए, कितना भी अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आपका रिजल्ट इसमें जरूर हो जाए, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह का तैयारी जब आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि 70 नंबर हम बोल रहे हैं, 80 नंबर बोल रहे हैं तो इतना आ ही जाएगा आपका, एक दो नंबर कम भी रहता है फिर भी कम से कम मेहनत जब आप करेंगे ना, तो अपना जब आप 100% देते हैं तो आपका जरूर वहां पे जाकर के कुछ ना कुछ बढ़ जाता है और आपका फायदा हो जाता है, उससे 2-4 नंबर कहीं हो गया तो आप कट ऑफ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका कट ऑफ लगभग इतना जाता है। और जो भी सिलेबस बताया उसमें कुछ सिलेबस को पकड़ करके, यानी जो भी आपका आसान है उसको रिवीजन करना, पढ़ना, किताब को पढ़ना, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो आप आगे हो जाएंगे दूसरों से, तो आपको करना चाहिए जो भी सिंसियर। अब देखिए, यहाँ तक भी बहुत लोग वीडियो को देखे होंगे, लेकिन बहुत लोग इसको देखेंगे मतलब उतना सिंसियर नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे ना कि आज से ही कॉपी किताब, मतलब होता है ना, गंदा हो गया हो तो उसको झाड़ करके निकालना होगा और उनका नोट्स बनाना शुरू करेंगे, कुछ कुछ देखना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट जगाना शुरू करेंगे, बैठने का क्षमता ही डेवलप करेंगे, कुछ वीडियोज देखना शुरू करेंगे। ये सब क्या है, उनका बढ़ता हुआ कदम है, जो कि अपना सक्सेस की ओर वो बढ़ा रहे हैं। और जो बैठे हुए हैं तो कुछ दिन और रुकिएगा, फॉर्म भरने के बाद वो बैठे नजर आएंगे और उनका सिलेक्शन नहीं होगा।